दोस्तों स्वागत है आपका YouTube चैनल आपके YouTube चैनल खामखा व्लॉगर में। अभी हम हैं बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में। पिछला व्लॉग आपने देखा फ्लाइट का, हम फ्लाइट पकड़ के आए थे रांची से बाबा बैद्यनाथ धाम, और हम अभी दर्शन करने वाले हैं बाबा बैद्यनाथ धाम के, और हम श्रृंगार आरती भी देखने वाले हैं। और यहाँ पर भीड़, तो भैया भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है इस टाइम पर, और लोग दर्शन करने के लिए आतुर हैं बाबा बैद्यनाथ धाम के। एक बार मैं आपको यहाँ का पूरा ओवरऑल सीन दिखाता हूँ, माँ पार्वती भगवान शंकर का दर्शन करवाता हूँ, फिर हम आरती भी देखेंगे, और आरती के बाद अब मैं आपको आरती का प्रोसीजर भी बताऊँगा कैसे कैसे आप आरती कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको पंडित जी से भी बात कराऊँगा, यहाँ की जो विशेषताएँ हैं, सावन के महीने में इतनी भीड़ क्यों लगती है, क्या विशेषताएँ हैं, सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बाबा बैद्यनाथ धाम इतना फेमस क्यों है, सारी चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। आई होप आप ये ब्लॉग पूरा देखिए, अगर आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी, और कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरीज हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये है भगवान शंकर और ये है माँ पार्वती। आप देख सकते हैं यहाँ ब्लू जो जल रहा है भगवान शंकर है, और जो रेड जल रहा है ये माँ पार्वती, और यहाँ पर भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं भाई। ये देखिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है बाबा का दर्शन करने के लिए। इधर अंदर में बाबा का दर्शन है, इधर अंदर में जाके बाबा का दर्शन होता है सीधा, और आप यहाँ भीड़ भाड़ देख सकते हैं भक्तों का। यहाँ पे जो है आरती जो है चल रही है, तो उसका पूरा LCD स्क्रीन वगैरह लगाई हुई है, यहाँ पे आरती भी देख सकते हैं, और भक्तों का तांता देवघर में लगा हुआ। वैसे तो सावन के समय काफ़ी मुश्किल रहता है, और आप यहाँ देख सकते हैं भाई किस तरह की भीड़ भाड़ लगी हुई है। एक बार चलिए यहाँ पर हम पंडित जी से बात करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या विशेषताएँ हैं इस जगह की, आपको कैसे कैसे यहाँ पर आप आ रहे हैं तो पूजा करना है। बाकी आप देख सकते हैं श्री श्री 1008 रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम, और बाकी आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पे लाइन लगी हुई है। फिलहाल उतनी भीड़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं लाइन का सिस्टम है, और लाइन कहाँ से आ रही है, उधर से आ रही है लाइन, और लगभग आप लगा लीजिए कि इधर के साइड 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है बाबा के दर्शन के लिए। और ये पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा इनका मंदिर कॉम्प्लेक्स है, और इधर में ये रहे हमारे बाबा बैद्यनाथ धाम और माँ पार्वती। तो मंदिर प्रांगण में इस टाइम हम हैं, और अभी बुलाते हैं वीडियो में निखिल बाबा को। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में, हर हर महादेव बाबा। और देखिए जब जो लोग आ रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम दर्शन के लिए, उनको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कैसे क्या करना है, कहाँ से जल लाना है, कहाँ का जल चढ़ाना चाहिए। तो आप ये बताइए कि लोग आते हैं सबसे पहले सुल्तानगंज जाते हैं, तो अगर कोई और जगह का गंगा जल लाया जाए तो क्या उतना ही महानता है उसका, या सुल्तानगंज का कुछ विशेष महानता है? जी बता रहे हैं, जैसे कि सुल्तानगंज है, यहाँ से उत्तर दिशा में उत्तर वाहिनी गंगा बहती है, यहाँ से 120 किलोमीटर दूरी पे है, यहाँ पे वही का जल चढ़ता है। क्योंकि सबसे पहले रावण जो लंकेश्वर थे तीनों लोक के राजा, रावण ने लाके सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ को कांवर यात्रा में जल चढ़ाया था, तो इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व वहाँ का है सुल्तानगंज का। बाकी यहाँ पे जो है गंगोत्री का भी जल चढ़ता है, हमारे पंडा समाज से कुछ ग्रुप हैं जो हर साल यहाँ से गंगोत्री बस पे जाते हैं, ट्रेन पे जाते हैं, और वहाँ से कांवर लेके 1700 किलोमीटर दूर है, वहाँ से कांवर लाके बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पे चढ़ाते हैं। बाकी हरिद्वार का भी जल चढ़ता है, सोनप्रिया का भी जल चढ़ता है, आपका संगम का जल चढ़ता है, प्रयागराज का, हरिद्वार का भी चढ़ता है, और क्या कहते हैं गंगा जी का चढ़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसा गंगा जी है जहाँ का गंगा जल नहीं चढ़ता है, जैसे भागलपुर हो गया, सिमरिया घाट हो गया, ये सब जगह, बक्सर हो गया, आरा, ये सब जगह से क्रॉस किया है जो गंगा जी बना, वाराणसी हो गया, ये सब का गंगा जी यहाँ बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग पे नहीं चढ़ता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे गंगा जल लेके नहीं आ पा रहे हो, यहाँ पे आपको मंदिर में ही गंगा जल आपको पैक किया हुआ मिल जाएगा, ये सुल्तानगंज से ही पैक होके आता है, और यहाँ पे आप लोगों को 20 रुपये 50 रुपये डब्बा 2-3 तरह का रहता है, आप जो तरह चाहे आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने भी गंगा जल नहीं लाया था, और मैं बाहर से 40 रुपये का मैंने गंगा जल लिया था जी। तो ये जैसा बाबा बता रहे कि वो सुल्तानगंज का ही रहता है, तो आपको जरूरी नहीं कि सुल्तानगंज से आप लाएं, और अगर आपकी आपके पास शक्ति नहीं है तो आप ला सकते हैं, बाकी अगर आपके पास शक्ति है तो कोई आपको रोक नहीं रहा है, आप सुल्तानगंज से लाइए चाहे आप गंगोत्री से लाइए, क्यों बाबा जी गलत बोल रहे हैं जी, कोई बात। और अगर आपके पास 50 रुपये 20 रुपये भी नहीं है, अगर 5 रुपये भी है, फिर भी आपको यहाँ पे गंगा जल मिल जाएगा। यहाँ पे सिंह द्वार पे चंद्रकू कुआँ है, जहाँ पे चंद्रदेव ने जल पिया था, मतलब कि पानी पिया था चंद्रदेव ने, तो वो कुआं आज भी यहाँ पे है, वही वो वाला जल भी आप लोग बाबा भोलेनाथ के ऊपर में चढ़ा सकते हो।
अब बात रहा कि यहाँ पे अभी जो है सावन का मेला चल रहा है, सुबह 4 बजे जो है यहाँ पे पट खुल जाता है और आप लोगों को जो है अर्घा के द्वारा स्पर्श अभी एक महीना तक नहीं करने दिया जाएगा भोलेनाथ को गर्भगृह में, तो अभी अर्घा के द्वारा जो है आप लोग यहाँ पे जल चढ़ा सकते हो और बाकी श्रृंगार पूजा का आप लोग दर्शन गर्भगृह में खड़ा होकर कर सकते हो। श्रृंगार दर्शन शाम को होता है लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते हो, स्पर्श नहीं कर सकते हो। अच्छा, श्रृंगार दर्शन में भी स्पर्श नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। मैं जाने वाला हूँ बाबा के द्वारा दर्शन करने अंदर, तो जैसा बाबा बता रहे हैं स्पर्श नहीं करने दिया जाएगा और अंदर काफी भीड़ होने वाली है। और बाकी बात की जाए आपको दर्शन करने के लिए, वैसे तो आपको अर्घा से जल चढ़ाने की बात की जाए तो आपको अर्घा के द्वारा जल चढ़ाने को मिलेगा, वहाँ भी बहुत भीड़ रहेगी, संयम से जाइएगा। 108 रावणेश्वरम बाबा बैद्यनाथ, ठीक है, इसलिए बुलाया था क्योंकि श्री रावण के द्वारा रावणेश्वर के तीनों लोक के राजा जो है वही यहाँ पे स्थापित करके गए थे। तो आप लोग कहानी सुने होगी कि कैलाश में जो है रावण तपस्या, घोर तपस्या किए थे भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, और उन्होंने जब अपना मतलब कि दर्शन दिया था तो उन्होंने लंकेश्वर ने बोला था कि भोलेनाथ है भोलेनाथ मेरे साथ लंका चलो, मैं आपको लंका में ही रखना चाहता हूँ, वहीं पे आपका सेवा करना चाहता हूँ। तो भोलेनाथ ने एक शर्त रख लिया कि आप तुम मुझे जहाँ रख दोगे मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊँगा। तो रावण का घमंड तोड़ने के लिए सब देवी देवता ने जो प्रोग्राम बनाया, आज के डेट में बोले तो मीटिंग बैठाया, तो सब देवी देवता ने प्रोग्राम बनाया कि रावण का घमंड तोड़ना है। तो गंगा मैया से किसी तरह संपर्क किया और बोला कि सीधे रावण के पेट में जाके समा जाइए आप। तो गंगा मैया जब पेट में समा गई तो ऑब्वियसली है कि लघु शंका तो जोड़ का लगना ही है, जब हम लोग ज़्यादा पानी पी लेते हैं, गंगा जल पी लेते हैं, तो हम लोगों को भी जोड़ का लगता है। तो गंगा मैया खुद जाके वहाँ पे समा गई और इसी जगह पे यहाँ पे उनको लघु शंका लगा और यहाँ पे वो अपना नीचे उतरे और यहाँ पे देखे कि गणपति बप्पा जो है गाय चारा बन के, वो उनका भी वो चाल था, गाय चराने वाला गौचर बन के वो घूम रहे थे यहाँ पे। तो बुलाया ए बालक इधर आओ, और उन्होंने जो है शिवलिंग को जो है गणेश जी के हाथ में दे दिया और गणेश जी का तो चाल था कि वो स्थापित किया और 9-2-11 अपना निकल गए। रावण यहाँ से 6 किलोमीटर दूर गए, हरला जोड़ी एक जगह का नाम है, वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू 3 हफ्ता तक लघु शंका किया क्योंकि गंगा मैया पेट में थी। उसके बाद इंद्रदेव ने यहाँ पे जो है वज्र गिराया और पूरे इलाके का पानी को सुखा दिया कि जब तक रावण हाथ और पैर नहीं धोएगा तो भोलेनाथ जनों नहीं उतार सकता और भोलेनाथ को टच नहीं कर सकता है। तो पूरा पानी सुखा दिया, पूरे इलाके पंडित था, रावण एक पंडित था, पूरे हम ही लोगों का जाति का था, मैथिल ब्राह्मण था और हम लोग भी मैथिल ब्राह्मण ही है जी, जी। उसके बाद फिर जनों उतारने के लिए पूरा दरबतर 2-3 हफ्ता तक इधर उधर पानी ढूंढने लगा तो उनको कहीं नहीं मिला। तो लास्ट में यहाँ से 0.5 किलोमीटर दूर में एक शिवगंगा नाम का जगह है, आप लोगों को जाके दिखाएगा, सुबह मॉर्निंग में आप लोगों को एक फोटो क्लिक करके दिखाएगा। तो शिवगंगा एक नाम का जगह है, वहाँ उस जगह पे पंच मारा तो वहाँ पे जो है पानी निकला, गंगा निकला, फिर उन्होंने पैर हाथ धो के इस जगह पे आए और यहाँ पे आके भोलेनाथ को बहुत हिलाने की कोशिश की कि चलिए मेरे साथ लंका। तो भोलेनाथ ने दर्शन दिया, बोला कि जो हमारा शर्त था वो शर्त तुम्हारा पूरा हो गया, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो उन्होंने गुस्सा से ये अंगूठा से फिर भोलेनाथ को यहाँ पे दबा दिया और उसके बाद से बस गए, हाँ उसके बाद अंदर और भोलेनाथ चले। उसके बाद फिर उनको पाप हो गया उनके हाथ से, रावण के हाथ से, कि मैंने भोलेनाथ को ऐसा अपमान कर दिया। फिर उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि ये पाप धोने के लिए हम क्या करें। तो उनके गुरु ने बोला कि यहाँ से 120 किलोमीटर दूर उत्तर वाहिनी गंगा बहती है, तो तुम वहाँ जाओ, कामर उठा के पैदल जल के लाके चढ़ाओ भोलेनाथ को, तब तुम्हारा पाप धुलेगा। तो जितने भी लोग कामर लेके आते हैं सब कोई अपना पाप धोते हैं कामर उठाने के बाद। तो यही यहाँ की विशेषता है, यही थी यहाँ की विशेषता। अगर आप लोग यहाँ पे दर्शन पूजा करने के लिए आना चाह रहे हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में मेरा नंबर दिया गया है, स्क्रीन में भी आप लोगों को दिख रहा होगा, इस जगह पे मेरा नंबर दिया गया है और हम अपने मुँह से भी बता देते हैं, 8092-6533-79 ये मेरा नंबर है, मेरा नाम हुआ निखिल फलारी। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके संपर्क करके यहाँ पे आ सकते हो, आप लोगों को दर्शन भी कराएंगे और आप लोगों को पूजा भी कराएंगे। ऑनलाइन पूजा अगर चाहते हो तो ऑनलाइन भी पूजा आप लोगों के नाम से यहाँ पे हम कर देंगे। ये रहे भगवान शिव और यहाँ पे ये सरस्वती मंदिर है और इसके बगल से एक पतली गली गई हुई है, देख लीजिए। इस पतली गली से आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पे भीड़ लगती है श्रृंगार दर्शन के लिए, यहाँ पे लंबी लाइन लगती है और ये लाइन इतनी लंबी लगती है कि ये लाइन आपको पूरा उधर तक जाती है, लगभग उधर लंबी लाइन पीछे तक जाती है यहाँ पे श्रृंगार दर्शन के लिए। और यहाँ पे आप आ जाइए लगभग 5 बजे तक और पंडा बाबा से कॉन्टैक्ट कर लीजिए आप, क्योंकि पंडा बाबा के थ्रू ही यहाँ पे लोग रहते हैं अंदर, वही पूजा वगैरह भी करवाते हैं और अंदर फोटो वीडियो वगैरह अलाउड नहीं है,
और यही रास्ता है, आप देख लीजिए। आपका भी उपवास है, घड़ा धुला है, नहा के पढ़ दे। जय बाबा बैद्यनाथ। दर्शन हो गया, बहुत बढ़िया दर्शन। और दर्शन किसके माध्यम से हुआ, तो इनके माध्यम से ही दर्शन हुआ है। और भाई साहब साक्षात बाबा ज्योतिर्लिंग, बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए हैं साक्षात। और ये कैसे करें, ये आप निखिल बाबा से संपर्क करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका नंबर मिल जाएगा, और बिल्कुल आपको ये हेल्प कर देंगे, सब कुछ कर देंगे दर्शन करने के लिए। और आपको साक्षात सावन के महीने में भी साक्षात बाबा के दर्शन हो जाएंगे, और क्या चाहिए। तो बाबा ने मेरे को दर्शन करवाया, इसके लिए बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जय बाबा बैद्यनाथ, और आइएगा आप ज़रूर इनसे संपर्क करिए, बहुत ही बढ़िया दर्शन। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग मुझसे संपर्क करके। हाँ, वैसे इनका चैनल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनके चैनल पर सब्सक्राइब भी करके इनका ऑनलाइन भी है, आप ऑनलाइन आरती वगैरह भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप श्रृंगार आरती देखना चाहते हैं विशेष रूप से, तो आप बाबा से संपर्क कर सकते हैं। तो बाबा बैद्यनाथ धाम के आपको मैंने दर्शन करा दिए, आई होप कि दर्शन अच्छे हुए होंगे आपके, आपको सारे सवाल जवाब के भी, सारे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाबा आए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और महादेव का नाम लेते रहिए, बोलिए हर हर महादेव।